फिर आप रिटायरमेंट फॉर टीचर ग्रुप का टॉपिक यूनिवर्सिटी सर मेरा ये मानना है सर कि वीसी ने जो रिटायरमेंट की एज है 65 इयर्स किया है, लेकिन एक या दो तीन स्टेट में केवल, जैसे बिहार है, उत्तराखंड है और एक आखिर स्टेट और है जहाँ पे 65 इयर्स किया गया है, बाकी स्टेट में किसी में 62 है, किसी में 60 भी है, कहीं कहीं तो 58 भी अभी चल रहा है। तो मैं सर इसका समर्थक हूँ कि एज 65 होना चाहिए और सर स्टेट सभी, मतलब देश के सभी स्टेट के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए सर, मैं इस बारे में भी बताना चाहता हूँ सर। इसलिए सर कि इधर मैं देख रहा हूँ विगत 8-10 सालों से सर वैकेंसी बहुत कम आ रही है, अगर आ भी रही है तो सब मामला कोर्ट में चला जा रहा है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और सीटें खाली होती चली आ रही है सर। जहाँ 10 विभाग में 10 टीचर है वहाँ 3 या 4 बचे हैं, और संख्या और जो स्टूडेंट की है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है सर, तो वर्कलोड भी जाते हैं टीचरों के ऊपर है इसलिए। और अगर पुराने टीचर को रिटायर किया जाएगा तो उन्हें 20-25 लाख रुपए एक मुश्त सरकार को देना भी पड़ता है, एक ये भी कारण है। और नए अगर माली आते हैं तो उनको फिर मतलब वेतन देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सर अगर वो एज बढ़ा दिया जाएगा तो देना नहीं पड़ेगा, तुम्हें क्या होता है। मैं संतोष पोपड़े, मेरा मानना है कि एज बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एज के हिसाब से इंसान की कैपेबिलिटीज कम होती है। और दूसरी बात, मेरे दोस्त ने कही कि एज बढ़ा दिया जाएगा तो सरकार का लोड कम हो जाएगा, लेकिन सरकार कौन चाहता है। इट इज सेड दैट इंडिया हैज द मोस्ट एंगेज पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा जवान भारत में है, तो वो बेकार रहेंगे। जैसे ही वो क्वालिफाई होता है उसको अगर जॉब नहीं मिलता है तो वो व्यसनहीनता की तरफ जा सकता है, उसको जॉब मिलनी चाहिए। दूसरी बात, जो बूढ़े आदमी होते हैं, जैसे कि हम अभी बहुत से एक्सपर्ट्स नहीं कह रहे, उनको पेन ड्राइव यूज करने को नहीं आता है। आज तो जमाना टेक्नोलॉजी का है तो टेक्नोलॉजी का यूज भी वो अच्छी तरह से नहीं कर पाए। तो मेरा कहना है कि एज आज जो है वही रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बढ़ाना ही है तो उसकी कैपेबिलिटीज भी चेक करनी चाहिए, 65 सबका हो नहीं सकता। अवर टॉपिक सर, आपने कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उनकी कैपेबिलिटीज कम होती है, तो फिर तो सीधा आप शाह सर पे भी क्वेश्चन मार रहे हैं। इसके बाद जितने भी मैं 2-3 पर्सनैलिटीज के नाम लूंगा, जिसमें कपिल सिब्बल है, जेठमलानी है, एज्ड पर्सन है, मैंने कहा है ना कि वो हर एक को नहीं लागू हो सकता, हर एक एकादा पर्सन होता है कि उससे क्या होगा। मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि ये जो टीचिंग फैकल्टी है ये सबसे वाइज मानी जाती है, कि सोसाइटी में सबसे वाइज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, कि मैन लर्न्स बाय इट्स एक्सपीरियंस, डू यू एग्री विद माय कोटेशन, ए मैन लर्न्स विद एक्सपीरियंस। एक आदमी ने 60 साल में एक्सपीरियंस, जितना अच्छा हमको एक 60 साल वाला व्यक्ति बताएगा जो हमें इम्पार्ट कर सकेगा। हमें घर में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम दौड़ के अपने उस आदमी के पास जाते हैं जो सबसे एक्सपीरियंस्ड है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को इसमें जितना उनमें कैपेबिलिटी है 65-67 जब तक वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि उनकी 60 के बाद आप कहते हो कि उनकी हेल्थ अलाउ नहीं करती, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे, पर जो कर सकते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जैसे कि एक रिसोर्स पर्सन आई थी और उन्होंने बताया था कि जो हमारे जो यंग जो फैकल्टी है वो हमसे वो हमारे लिए सोचता है कि हम लोग काफ़ी एटीट्यूड में रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग यंग जो फैकल्टी है उनसे डरते हैं क्योंकि वो इतने टेक्नोलॉजिकली जो इतने स्किल्ड होते हैं कि हमें डर लगता है कि उनकी नॉलेज हमसे अधिक है, इसलिए हम उनसे कटे कटे रहते हैं। तो आई थिंक कि जो 60 इयर्स के हो गए उनको घर में बैठना चाहिए, और जो यंग जनरेशन है उनको मौका मिलना चाहिए कि वो आए और वो अपना स्किल जो है वो बच्चों को जो है अच्छे से। मेरा सर, माय नेम इज अनीता, आई एम फ्रॉम बीएसबी।
जैसा कि मेरा डिसिप्लिन मैथ्स है तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाना चाहती हूँ सर इस टॉपिक में। अरे टाइम है, दो मिनट का छोटा सा चार्ट है सर। नहीं नहीं बनाओ। अरे सर वो बड़ा है तो मैं वैसे तो इसके सपोर्ट में हूँ 65 के, क्योंकि आप लोगों को लगता है, मुझे जैसा लगता है कि जो अपॉइंटमेंट हमें 25 में मिलनी चाहिए थी वो 30 to 35 पहुंच गई, उसमें उस एज में अपॉइंटमेंट हमें अब मिल रही है, तो ये जो हमारा 10 years का लॉस होता है तो फिर ये हमारा कैसे फुलफिल होगा? तो उसके बाद सबसे पहला तो जो मेरा फ्लो चार्ट है उसमें हम देखते हैं कि लेट अपॉइंटमेंट, तो लेट अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो नॉलेज लेवल बढ़ेगा, हम स्ट्रगल करेंगे तो हमारी नॉलेज लेवल भी बढ़ेगी, नॉलेज लेवल बढ़ेगी तो हम मोर करेक्ट अप्रोच पे पहुंचेंगे, किसी भी चीज के लिए मोर करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे हम, क्योंकि हम स्ट्रगल से ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, जब तक तो वो बेकार हो जाएगा। अरे बोलो तुम, बोलो तो बोलो, तो कबाई हो जाएगी, बोलो ना उसके ऊपर। ऐसा नहीं कह सकते लेट अपॉइंटमेंट होगी तो लेट शादी होगी, सब सब लेट हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो। मैडम जो कह रही है लेट अपॉइंटमेंट, मैं उसके पक्ष में एक बात कहना, विपक्ष में एक बात कहना चाहता हूँ। जो भी आईएएस अधिकारी निकल रहे हैं वो 21 साल में निकल, टॉपर जो भी है 10 साल से वो 21 साल से कल्चर में जाना चाहूंगा, इसमें जो आश्रम व्यवस्था है 25% में माना गया था, जो आदमी का नौकरी करने का रहता 50 तक ही था, इसके बाद 50 से 70 जो रहता था वो केवल ज्ञान के लिए रहता था, वो ज्ञान में और फ्रंट लाइन में आए। जितने रिसोर्स पर्सन यहाँ पे आए हैं सभी काफी एज के लोग हैं, और जैसे हमारे एनहेंस सर आए उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया, और इसके अलावा और कोई लोग आए, यानी आपके अनुसार तो फिर यंग लोग ही आते हैं यहाँ पे, फिर लोग जितने मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे सास हैं, रिटायरमेंट का ये तो 50 कर देना चाहिए, लेकिन जो बड़ी बड़ी पोस्ट है उसमें केवल सीनियर लोगों को बिठाना चाहिए 50 से 75 तक। अरे पक्ष में बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं। जिसके कारण क्या है कि सिर्फ आगे जो पुरानी पीढ़ी वाले उनमें मौका मिला है, जिसके बाद यह है कि सर बेसिकली मैं कहना चाहूंगी कि 65 हो जानी चाहिए, उसका रीजन ये है कि 50 साल तक तो हम अपनी घर गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहते हैं, और सर हम उतना ही कर पाते हैं जितना हमारे प्रमोशन के लिए जरूरी है, एपीआई के लिए हमारे बच्चों से जो हमें समय मिलता है वो हम जबरदस्ती अफसर रिफ्रेशर कोर्स भी मजबूरी में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मानना है कि 50 साल के बाद तो घर में बच्चों को टाइम देना चाहिए, नाना नानी और दादा दादी हो जाती तो बच्चों को पालना जरूरी है। बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं
करती हूँ। आजकल बच्चे कौन से आपके साथ रहेंगे तो पोते पोतियों को खिलाओगे? पचास से पैंसठ तक आपको इतना मिलता है कि आप वर्ल्ड टूर पर जाओ, इतनी नॉलेज गेन कर लेते हो कि आप जो नई जनरेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। नहीं रहते हैं, रहना चाहिए, इसीलिए तो बड़े लोगों को घर में। हमारा लाइफ स्पैन इतना बढ़ गया है कि 65 साल में भी हम लोग 50 का लुक लगते हैं। एग्जांपल शाह साहब के, और दूसरी बात है क्या है कि हम तो लगते हैं, लेकिन क्या है से नौकरी का, इसलिए मैं तो रोज करता हूं खुद का 50 होना चाहिए। गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम लागू करते सबसे पहले वो अपोज में होते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए।